एक शिकायत पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने ड्रग कंट्रोलर विभाग के साथ लाल द्वारा स्थित मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। टीम ने जब छापेमारी की तो मेडिकल स्टोर में दो मरीजों को भर्ती करवाकर उनका इलाज किया जा रहा था। मौके पर जो इलाज कर रहा था उसके पास कोई डिग्री नहीं थी और ना ही फार्मेसी का कोई लाइसेंस मौजूद था। इस मामले में सीएम फ्लाइंग की टीम ने मेडिकल स्टोर पर मौजूद तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। मेडिकल स्टोर से ड्रग कंट्रोलर विभाग की टीम ने दवाइयों के सैंपल भी लिए हैं जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। डॉक्टर विपिन गोवाल ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि यहां पर फर्जी तरीके से मेडिकल स्टोर चलाया जा रहा है और मेडिकल स्टोर पर बिना डिग्री के डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। मौके पर डॉक्टर विपिन दत्ता को भी बुलाया गया था। इस मामले में नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। तो हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे लक्ष्मी मेडिकोज एक दुकान है जिसमें जो इसके पार्टनर हैं, एक तो नरेश कुमार जी हैं और दूसरे लक्ष्य कुमार जी हैं। तो लक्ष्य कुमार जी इसमें जो है वो फार्मासिस्ट है, वो इसमें पार्टनर भी है, फार्मासिस्ट है, लेकिन वो मौके पे मौजूद नहीं है। ओके। नरेश कुमार जी यहाँ पे ट्रीटमेंट करते पाए गए पेशेंट्स का और उनके कब्जे जो हमें दवाइयाँ मिली हैं, उनके हमें 6 तरह के सैंपल लिए हैं, उनको आगे लैब में भिजवाया जाएगा और उसको आगे जो फर्दर प्रोसीडिंग होगी होती है। आज सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने यहाँ पे रेड की थी, लक्ष्मी मेडिकोज है इस पर रेड की थी, जिन्होंने एक लिखित दरखास्त दी है, ठीक है जी, प्रबंधक थाने का नाम। तो इसमें धारा 420, 467, 68, 400 का 120 भी आईपीसी व धारा 15(2)(3) इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। कितने लोग हैं? लोग तीन के खिलाफ। किसके खिलाफ? डॉक्टर विपिन, नरेश कुमार जी, गौरव।